हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सुहाना की रसोई में। आज हम बनाएंगे सिंपल मटन करी। बहुत ही आसान और झटपट बनने वाली टेस्टी है मटन करी की रेसिपी है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी मटन करी को आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इस मटन करी को रोटी, पराठे, चावल, नान किसी के साथ भी सर्व करें, सभी के साथ आपको ये मटन करी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगने वाला है। बहुत ही कम टाइम पर लाजवाब ये मटन बनकर तैयार है, तो वीडियो को आप इन तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। सिंपल और टेस्टी मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 500 ग्राम मटन को धोकर अच्छे से साफ कर लिया। अब इसे मैरिनेट करेंगे। उसके लिए 1.5 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर इसमें ऐड कर देंगे, आधी टीस्पून से कम इसमें हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे और 100 ग्राम ये दही है फिटा हुआ, इसको भी इसमें मटन में ऐड करेंगे। सारे मसाले और दही को अच्छे से मटन में मिक्स कर देना है। अगर आप भी हमारे इस बताए हुए तरीके से सिंपल मटन करी बनाएंगे तो सभी आपकी इस मटन करी को बहुत ही पसंद करेंगे। अब इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद एक कुकर में ऐड कर देंगे 30 ml तेल। तेल अच्छे से गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद इसमें 4 मीडियम साइज़ की प्याज इस तरह लंबे स्लाइस में कट करके ऐड कर देंगे और प्याज को अच्छे से चलाएंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की ना हो जाए। प्याज काफ़ी अच्छे से फ्राई हो चुकी है और मटन भी 1 घंटे में काफ़ी अच्छे से मसालों के साथ सेट हो चुका है, इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। मटन ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देंगे प्याज में। गैस की फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पर मटन को 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मटन को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुका है। ये देखिए 5 मिनट में मटन में काफ़ी अच्छा सा पानी छूट चुका है। इसे हम दोबारा चलाएंगे। सिंपल मटन करी में अच्छा सा टेस्ट लाने के लिए आप कोई भी इंस्टेंट मिक्स मसाला इसमें ऐड कर दें। मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी मसाला ले सकते हैं। मसाला ऐड करके इसे भी अच्छे से मिक्स कर देना है मटन में। बहुत ही कम टाइम पर यह टेस्टी मटन करी बनकर तैयार होता है। मसाले को अच्छे से मिक्स करके साथ ही साथ इसमें मैं 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर भी ऐड कर रही हूँ। धनिया पाउडर ऐड करके इसे भी अच्छे से मटन में मिक्स कर देंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जिससे मेरे सारे नए वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप जरूर कर दें। मसालों को मटन में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है 3-4 मिनट। ये देखिए मसालों में काफ़ी अच्छा सा तेल छूट चुका है। इसे हम दोबारा चलाएंगे। तो इसी तरह से मसालों को आपको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। ऐसा करने से जो मटन करी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसके बाद इसमें 1 मीडियम साइज़ का टमाटर इस तरह छोटे टुकड़ों में कट करके ऐड करेंगे और 2 हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मटन में मिक्स कर देना है। टमाटर ऐड करके 2-3 मिनट ये देखिए पका लिया है। टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस तरह से टमाटर ऐड करके 2-3 मिनट पका लेंगे और इसे भी अच्छे से चलाएँगे। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैं 200 ml पानी ऐड कर रही हूँ और पानी ऐड करके इसे भी मटन में अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सिंपल मटन करी में ग्रेवी वाला बना रही हूँ, जिसके साथ हम रोटी चावल आसानी से खा सकते हैं। तो यहाँ मुझे पानी थोड़ा कम लग रहा है, तो इसमें 50 ml पानी और ऐड कर देंगे। इसी पॉइंट पर आप नमक भी चेक कर लें, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड करें। मैं इसमें 1 टीस्पून और ऐड कर रही हूँ। नमक ऐड करके इसे भी अच्छे से मटन में मिक्स कर देंगे। इसके बाद कुकर की लीड लगा देंगे और 4 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर अच्छे से मटन को पकने देंगे। कुकर में 4 सीटी आ चुकी है, मटन को चेक करेंगे। टेस्टी सिंपल मटन करी बनकर तैयार है। मैं आपको इस मटन को चलाकर दिखाती हूँ। ये देखिए ये ग्रेवी ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी है ना पतली। आप इसे रोटी, चावल, पराठे किसी के साथ भी आसानी से खा सकते हैं, इतनी ग्रेवी काफ़ी है। तो इससे ज़्यादा इसे यहाँ नहीं पकाएंगे। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और टेस्टी सिंपल मटन करी को हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही कम टाइम पर टेस्टी मटन करी बनकर तैयार है, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो आप भी इस मटन करी को बनाएं और बनाकर इंजॉय करें। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें।